मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। मेरठ हस्तनापुर से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी योगेश वर्मा ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता झूठे वादों से परेशान आ चुकी है। लोगों ने अब भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। देखिए क्या कहा योगेश वर्मा ने। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसके लिए हस्तनापुर एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। हस्तनापुर से जो विधायक बनता है उसी पार्टी की सरकार बन रही है, बनती है। तो इसलिए हमने आज नॉमिनेशन किया है और हस्तनापुर सीट जो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत कर माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। हमारा क्षेत्र महाभारत क्षेत्र है, वहाँ योद्धा रहते हैं और हस्तनापुर की सीट ये योद्धा जीत के माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। जनता से वादा ये है कि हम चहुमुखी विकास करेंगे। हम जुमलेबाजी की तरह नहीं, जो ये सरकार जो चल रही है इन्होंने झूठ बोला है और झूठ की राजनीति की है, हम सच पे चलेंगे। हम चारों तरफ विकास करेंगे, चहुमुखी विकास होगा। हस्तनापुर एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जहाँ आज तक जो ये लोग जो अब जो विधायक है वो ये कहते हैं, सरकार जिनकी है, कि द्रौपदी का श्राप लगा है। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस द्रौपदी के श्राप को धुआ के चहुमुखी विकास करेंगे। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे यहाँ गुर्जर कॉलेज में आए थे, जब एक पंचायत हुई थी, बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, तो उसमें कह के गए थे हम विशेष पैकेज हस्तनापुर के लिए देंगे। समाजवादी पार्टी में हूँ, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हस्तनापुर रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीती जाएगी। वहाँ तमाम लोग, क्योंकि वहाँ जो भाजपा के वो हैं विधायक हैं, उन्होंने बुजुर्गों को, तमाम लोगों को, सबको अपमानित किया है और सारे लोग मेरे साथ हैं, तमाम लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी जीत होगी हस्तनापुर से। और मैं हकीकत, हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं, जितना हम मेरा क्षेत्र है वास्तविक, उनको मैं सत्ता का सुख देना चाहता हूँ। सत्ता का सुख का मतलब ये है, जो सत्ता में इन लोगों ने अत्याचार और जुल्म किया, जिन्हें अपमानित किया है, अब ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको सम्मान मिलेगा, वो सत्ता का सम्मान मैं उनको दिलवाना चाहता हूँ। इस सरकार से सब परेशान हैं। किसानों पर अत्याचार इस तरीके से हुआ है कि जुल्म हुआ है बहुत ज़्यादा। किसानों पर लाठियां बरसी हैं, किसानों को सर्दियों के मौसम में पानी की ठंडी बौछारें मारी हैं, गोलियां तक चलाई हैं इनके ऊपर, और किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया है। तो जब जय चुनाव, अब जो वोट डलने जा रही है, एक एक जुल्म का, एक एक हर चीज़ का ध्यान है जनता को। बेरोजगारी, महंगाई किस तरीके से है, लोग बेरोजगार हैं, बच्चे हमारे सारे जो है वैसी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुकदमा जो अभी दर्ज हुआ है, जो ये मुकदमा जो दर्ज इन्होंने किया है, ये फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। मैं बाबा साहब की मूर्ति पे मालार्पण करने गया था, कहाँ, जब हम वहाँ से आ रहे थे तो बाबा साहब की मूर्ति पे मालार्पण मैंने किया, डॉक्टर अम्बेडकर जी की, पलेड़ा चोपले पर। और जब मैं वहाँ गया तो दुकान वाले बाहर जो वहीं पर थे, मेरे कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं थे, सिर्फ माला डालने में गले में गया था बाबा साहब की। ये महापुरुषों की माला डालने पे भी ऐतराज कर रहे हैं, भाजपा के लोगों ने वो मुकदमा दर्ज करा दिया। मेरे पे कल का मुकदमा लगा के, मेरे विचार से तो मुकदमे मेरे सभी खत्म है। 15-16 मुकदमे जब लगाए थे इन्होंने, जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, 2018 में 2 अप्रैल में जो आंदोलन हुआ था, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए थे। लेकिन अब जो है उसके बाद ये मुकदमा मेरे पे दर्ज हुआ है। उससे पहले जो भी मेरे मुकदमे थे सब खत्म हो गए थे, जो राजनीतिक द्वेष के कारण मेरे पे मुकदमे थे वो सब खत्म थे। लेकिन मैंने ब्यौरा सब मुकदमों का दिया है, मैंने ब्यौरा सबका दिया है। वर्तमान में मेरे पे 14-15 मुकदमे हैं, लेकिन उससे पहले जो मेरे पे, क्या नाम है, आचार संहिता का, कैसे भी ये मुकदमे थे, उनका सब मतलब ये खत्म हो गए हैं वो, लेकिन फिर भी मैंने उनका ब्यौरा दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।